वाह कितनी मजे की खुशबू आ रही है। वाह क्या मजे के बने हैं ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जता, जिसके लिए हमने एक ग्लास चावल लिए हैं, जिसको आधा घंटा पहले तकरीबन मैंने भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास एक ग्लास चावल है, इसी उसके हिसाब से हमने पौना ग्लास चीनी लेनी है। और यहाँ पे है हमारे पास दूध, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ बादाम मैंने लिए हैं, इसको भिगो के हमने छिलका उतार के तो हाफ ऑफ कर लिया था। यहाँ हमने गिरी ली है, उसको पीसेस कर लिए हैं, काजू हैं यहाँ पे, इलायची ली है, पिस्ता लिया हमने, और कुछ यहाँ हमने छोटे साइज के चमचम लिए हैं, और ये ज़रदा रंग है। थोड़ा दही हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, और हमने दो अंडे सख्त उबाल के इसके स्लाइस कर लिए हैं। ये खोया है, ये होममेड खोया है। आप डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी हमने दी है, उससे आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे देसी घी यूज़ करेंगे ज़रदा बनाने के लिए। चले अब हम स्टार्ट करते हैं ज़रदा बनाना। ये हमने चावल बॉईल करने के लिए पानी रखा है, इसमें हम थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल देंगे। इसको थोड़ा सा उबाल आता है तो फिर चावल डालते हैं हम। अच्छा, ये पानी जो है ये कितना लेना चाहिए? चावलों के हिसाब से या जितना मर्जी ले सकते हैं? ये पानी आप जितना मर्जी ले सकते हैं, क्योंकि बॉईल करके हमने इसको वॉश कर लेना है। ठीक, चावलों के लिए पानी बॉईल हो गया, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। जब तक ये चावल बॉईल होते हैं, हम साथ में चाश बना लेते हैं इसकी। चाश बनाने के लिए हम इसमें देसी घी डालेंगे पहले। तीन चार इलायचियां और लौंग डाल के हम इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अब यहाँ पे हम चीनी डाल देंगे। और साथ ही दूध थोड़ा सा। इसमें दूध तकरीबन आपने कितना डाला है? इसमें दूध तकरीबन हाफ कप डल गया, इसका कोई मसला नहीं है, थोड़ा हम इसको इनके दूध सूख ही जाएगा। जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती हमें इसको हिलाते रहना है। ये देखें हमारी चीनी मेल्ट हो गई है बिल्कुल। इस स्टेज पे हम 2 से 3 टेबलस्पून दही डालेंगे। दही भी अपना पानी छोड़ता है, इसको खुशक खुशक करेंगे तो फिर देखते हैं हम आगे। हमारे चावल भी बस होने वाले हैं।
हमारी चाश की तार आप देखें बनने लग पड़ी है, बस हमारी रेडी हो चली है ये चाश। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल हमारे ज़्यादा कच्चे नहीं होने चाहिए, तकरीबन नियर टू कुक हों। अब हम इसको स्टैंड करते हैं। शीरा यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, ये देखें एक तार का शीरा होना चाहिए। इधर हम सबसे पहले अब ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स हम इसमें क्यों डाल रहे हैं? ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल के थोड़े से हम इसको भून लेंगे या इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि ये थोड़े इसकी शीरे की कोटिंग की वजह से थोड़े क्रिस्पी भी हो जाएं और इसके अंदर जो है वो चीनी बिल्कुल रच जाए। अब हम इसके अंदर चावल डालते हैं। चावल डाल के बहुत एहतियात से हमने हिलाने हैं। अक्सर लोग ज़र्दा पकाते हैं तो चावल जो होते हैं वो अकड़ जाते हैं, तो उसकी क्या रीज़न होती है? चावल हम कम बॉइल करेंगे तो भी अकड़ जाते हैं, या फिर इसमें चीनी की ज़्यादा चीनी होगी तो फिर भी अकड़ जाएंगे, या दही कुछ लोग ज़्यादा डाल लेते हैं जिसकी खटास की वजह से जो है वो चावल इसको सख्त सख्त हो जाते हैं। सही। अब यहाँ पे हम इसको पानी खुशक करेंगे और फिर दम लगाते हैं। इसके अंदर चावल जो हैं वो ऑलमोस्ट कुक हुए हों जी, ताकि वो अकड़े नहीं। हाँ जी। चावलों का पानी तकरीबन खुशक हो गया। अब हम इसको बाकी चीज़ें डाल के इसको दम लगाते हैं। इसमें हम चमचम डालेंगे, दम लगाते हुए हमने चमचम डालनी है। साथ में थोड़ा थोड़ा सा खोया। अब अशरफियाँ डालेंगे। अब हम इसे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। जर्दे को दम लग गए, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। वाह, कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। वाह, क्या मज़े के बने हैं ना। चलें अब हम डिश में डालते हैं इसको। अब हम इसको खोए और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह से गार्निश करते हैं। लें जी व्यूवर्स, आज मेरी भतीजी ने बहुत ही मज़ेदार किस्म का ज़र्दा बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये ज़र्दे की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।